Christians across the globe celebrate the resurrection of the Lord in a celebrated feast called Easter. An Easter egg is a symbol of this resurrection. Namaskar, mera naam hai Chef Varun Inamdar and welcome to Foodgasm. Today, we are going to do an Easter egg in a nest. Let's get going. For the chocolate nest, we are going to require some rice vermicelli because it's low in carbs and low in sodium, some dark chocolate and some colorful chocolate pebbles. Now let's get going. What we're going to do is, let's put the induction on and let the pan heat. What I'm going to do is, I'm going to add in very little oil just so that the vermicelli kind of gets roasted a little. So here goes in the vermicelli. We need to constantly stir this so that it does not burn, yet gets a nutty aroma. वैसे अगर आप चाहे तो आप ये oven में कर सकते हैं, या अगर आपको pre-roasted मिल जाए, तो आपका उतना tension और कम हो जाता है। अब जो हमारी सेवई है, वो almost roast हो चुकी है, it's become nice and golden brown. Now this is the right time to turn the induction off and transfer it into a clean and empty sterilized bowl. हम इसे हल्का सा room temperature पर ले आएंगे। और अगर आपके पास dark chocolate melted नहीं है, तो this is the time when you can actually melt the chocolate. Chocolate melt करना बहुत आसान है। अगर आपके पास microwave है, तो microwave में आप 30 seconds के उसे दो shots दीजिए। उसे हल्का सा मिक्स कर दे एंड दैट इज वेर यू हैव मेल्टेड चॉकलेट. अगर आपके पास नहीं है तो एक पैन में आप हल्का सा पानी ले ले और ये उसमें बोल रख दे. हल्का सा स्टर करते रहे जब तक वो मेल्ट ना हो जाए एंड दैट इज वेर यू हैव मेल्टेड चॉकलेट रेडी. सो नाउ लेट्स ऐड दिस टू द सेवई व्हिच इज रोस्टेड. आई एम यूजिंग डार्क चॉकलेट हियर व्हिच इज 70% बिकॉज अगर आप नोट करें तो वर्मिसली इज एब्सोल्युटली जीरो ऑन सैचुरेटेड फैट. इट इज लो इन सोडियम. सो चॉकलेट is something that is going to add in a lot of nutrition. It is going to add in the moisture and it is going to add the required fat to it. जब आप चॉकलेट वर्मिसली में ऐड करें तो जस्ट मेक श्योर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डालें, क्योंकि आप अगर सब एक साथ डाल देंगे तो यू नेवर नो, चॉकलेट ज़्यादा हो सकता है और वर्मिसली उसमें फ्लोट होना या सिंक होना शुरू हो सकता है. सो वी आर रेडी हियर टू गो. चॉकलेट और वर्मिसली अच्छा सा मिक्स हो चुका है. नाउ इज द टाइम to start putting it onto a tray. अब जो हमारा चॉकलेट और वर्मिसली मिक्स हो गया है, actually this is the time when you can flavor it. You can add in some coffee, you can add in some cinnamon, you can add in some cardamom to flavor the nest. Now what we'll do is we'll take spoonfuls of this and drop it onto a tray. Now this tray is lined with some butter paper. Now why a butter paper is because this nest after setting in the refrigerator will easily come out. So with this mixture, we make as many nests as possible, the size that we want and the shape that we want. अब हमारे नेस्ट तैयार हो चुके हैं. इसमें अब बारी है अंडे रखने की. अंडे रखने के लिए या तो आप मार्जिपान ले ले और उसके छोटे छोटे अंडे बना दे, या तो टू मेक इट सिंपलर जस्ट टेक दीज कलरफुल पैलेट्स एंड कीप इट राइट इन द मिडल ऑफ द नेस्ट. अब क्योंकि ये चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर है, दीज कलरफुल चॉकलेट्स विल एक्चुअली स्टिक टू देम. ये कलरफुल डिजर्ट बच्चों को तो अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन बड़ों को भी मजबूर कर देगा डाइनिंग टेबल पर आने के लिए. अब डाल दिए हमने ये कलरफुल चॉकलेट के कुछ टुकड़े और इसे हम रखते हैं रेफ्रिजरेटर में फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड देन लेट्स सी हाउ इट लुक्स. सेट हो चुके हैं हमारे चॉकलेट के नेस्ट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग दिस. क्योंकि हमने बटर पेपर इस्तेमाल किया था, इट्स कमिंग आउट वेरी इजीली. इसी के साथ तैयार है हमारे ईस्टर के कुछ नेस्ट्स. मन में ख्याल आया है क्यों ना हम बच्चों को लगा दे इस रेसिपी पर. उन्हें बस सेवई रोस्ट करके दे दे, चॉकलेट मेल्ट करके दे दे और लगा दे नेस्ट बनाने पर. ईस्टर का मौका है, मजे करे, खुश रहे. इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाई ग्रह शोभा एंड वन नेटवर्क.